बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन और आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान मलिक। नाज़रीन, हमने आब तक सुबह एक अफसोसनाक खबर पहुंचाई थी। कुपवारा इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए और एक 19 साल नौजवान लड़की की मौत वाकया हो गई। आपको बता दें नाजरीन, ये वाकया जो है कुपवारा के करालपुरा में पेश आया, करीबन कुपवारा से 9 किलोमीटर दूर करालपुरा इलाका। ये गाड़ी जो है जिसका एक्सीडेंट हुआ, ये राशिमपुरा इलाके से आ रही थी और करालपुरा में फिसलन बहुत ज़्यादा होने की वजह से जब कल रात थोड़ी बहुत बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद जो है सड़कों पे फिसलन ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रहे थे। इसी अस्ना में सुबह ही ये एक्सीडेंट पेश आया, ये अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें एक लड़की की मौत वाकया हो गई, 19 साल लड़की जिसकी पहचान जो है असमा इकबाल के तौर हुई है। इनके साथ साथ 4 और लोग भी जख्मी हैं। इनका नाम मैं यहाँ पर मैंशन कर रहा हूँ, मोहम्मद मकबूल भट्ट, बशीर अहमद बेग, ड्राइवर आसिफ अहमद भट्ट और इसके साथ साथ जमीना बेगम भी इनके साथ जख्मी हो गई। कुपवारा के राशिमपुरा इलाके से ये लोग आ रहे थे और करालपुरा में ये हादसा हो गया जिसमें ये 4 लोग जख्मी हो गए, साथ साथ में एक 19 साल लड़की की भी जान चली गई। उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है और साथ साथ में आपको बता दें ये एक्सीडेंट जो है करालपुरा के एक ब्रिज को क्रॉस करते हुए हुआ और गाड़ी जो है एक नाले में जा गिरी, जिसके बाद 19 साल लड़की की जान चली गई, साथ साथ में 4 और लोग जख्मी हो गए और उनको इलाज और मुआवजा के लिए हॉस्पिटल लिया गया। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।